दोस्तों आज की कहानी है जेठानी जी। आपके पति तो खास कमाते नहीं, फिर क्यों मेरे पति के पैसे बर्बाद कर रही हो? दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। अरे कब से बुला रही हूँ, ये बड़ी बहू तो सुनती ही नहीं है, कानों में रुई डालनी है क्या? सुमिता जी सिला कर बोलती हैं तो गरिमा तेजी से दौड़ती हुई आती है। मम्मी जी आपने बुलाया, वो मैं सर पर से कपड़े उतार रही थी तो आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दिया। फालतू की बहानेबाजी रहने दे, मुझे तेरी काम सोरी के नाटक सब पता है। अब सुबह शाम रसोई में जाकर साय बना दे। सर्दी हो रही है, मुझे साय की तलब लग रही है, पर तुझे तो अपनी सास की परवाह ही नहीं है। वह गुस्से से बोली। गरिमा सुबह शाम रसोई में सर्दी और साय सड़ा दी। थोड़ी देर में घर की छोटी बहू बाजार से आ जाती है। भाभी मेरे लिए भी साय बना देना, शॉपिंग करके मैं थक सी गई हूँ, रमा अंगड़ाई लेते हुए बोली। गरिमा अपने काम में लगी थी, उसकी हालत घर में नौकरों के जैसी थी। हर कोई उसे आकर काम बता देता था, परिवार की बड़ी बहू बस कहने मात्र को थी, लेकिन उसकी घर परिवार में कोई इज्जत नहीं थी। अभी 2 साल पहले गरिमा की शादी सुमिता जी के बड़े बेटे उमेश से हुई थी। उमेश का काम धंधा मदा ही चलता था, मतलब उसकी इतनी अच्छी कमाई थी नहीं थी। वह 7 महीने में नया धंधा करता, पर उसमें उसको जरा भी सफलता नहीं मिल रही थी। गरिमा गरीब घर से थी, माता पिता ने घर परिवार देखकर शादी कर दी। शुरू में गरिमा बड़ी खुश थी क्योंकि उसकी इतने अच्छे घर में शादी हुई थी, पर धीरे धीरे उसकी सारी खुशी सली गई जब उसे पता लगा कि शादी के बाद पत्नी की इज्जत पति की कमाई से ही होती है। उमेश ज्यादा कुछ कमाता नहीं था और उसका और गरिमा का पेट बस इस घर में रहने के कारण पल रहा था। सुमिता जी गए बगाए उसे ताना भी देने लगी थी। तेरा पति तो कुछ खास कमाता नहीं है, तू मेरे पति और छोटे बेटे की कमाई बर्बाद मत किया कर, खाना नाप तोल कर ही बनाया कर। ऐसे खाना बसेगा तो तेरे भरोसे तो घर सल लिया। गरिमा अब माल के घूट पी लेती क्योंकि पैसा हो तो इंसान बोलता है। उमेश भी सब जानता था लेकिन शुभ रहता था। अभी साल भर पहले छोटे देवर नितेश की शादी रमा के साथ हुई थी। नितेश की एक अच्छी कंपनी में नौकरी थी तो उसे पैसे वाला ससुराल मिला था। रमा को अपने पैसे और पति की कमाई पर बड़ा घमंड था और घर खर्च में वह गरिमा के मुकाबले ज्यादा हिस्सा देती थी, इसलिए सुमिता जी भी उससे कुछ नहीं कहती थी। गरिमा पहले सास का सब सुनती और सहन करती थी, पर अब देवरानी रमा भी उसकी इज्जत नहीं करती थी और कुछ भी कह देती थी। एक दिन गरिमा का गला भर आया तो उसने रमा को बोल दिया, रमा मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हारी जेठानी हूँ, तुम मुझे पैसों का ताना देने वाली कौन होती हो? मैं मम्मी जी की सुनती हूँ पर तुम्हारी नहीं सुनूंगी। अपनी जेठानी को बोलते देख रमा ने घर में हल्ला मचा दिया, पूरे घर में तूफान ला दी और नितेश को लेकर अलग होने की धमकी दे दी और गरिमा को मजबूर कर दिया कि वह रमा से माफी मांगे। अपने आत्म सम्मान को कुचल कर गरिमा ने अपनी गलती नहीं होते हुए भी उससे माफी मांगी। अब गरिमा और भी शुभ शुभ रहने लगी थी।
उमेश अपनी हर संभव कोशिश कर रहा था, पर उसे धंधे में कहीं भी सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन गरिमा ने सुबह सबके लिए साय बनाई और साय के कप पर थोड़ी साय के निशान लग गए तो रमा ने गुस्से से कप फेंक दिया। सीसी, इतने गंदे कप में साय भी है, आपकी माँ ने आपको कुछ सिखाया नहीं किया? ये सुनते ही गरिमा से रहा नहीं गया। ये मेरी माँ के ही संस्कार है जो इतना सुनते हुए भी मैं यहाँ रह रही हूँ। तभी रमा बोलती है, ये आपकी माँ के संस्कार नहीं है, ये आपकी मजबूरी है। भाई साहब तो खास कमाते नहीं है, आप तो ससुराल की दम दौलत लेने की वजह से यहाँ पर टिकी हुई हो। सुमिता जी रमा का सफर समर्थन करती है, सही है, इसकी नज़र तो हमारी दौलत पर है, तभी तो यहाँ रह रही है। घर खर्च में भी खास हिस्सा नहीं देते हैं और दोनों जने हम पर बॉस बने हुए हैं। आज गरिमा का आत्म समाज सीखने लगा, मम्मी जी ना मुझे आपके पैसे ने सही, ना ही आपकी संपत्ति, मुझे आपकी दौलत का लालच नहीं है। आज से ये सब आपको मुबारक, हम अपने रहने और खाने का ठिकाना ढूंढ लेंगे। मैं आज ही अपने पति के साथ ये घर छोड़ दूंगी, आपको तो मुफ्त की नौकरानी मिली हुई थी, अब आपका घर कैसे संभलेगा ये आपको सोचना है। उमेश ने भी गरिमा का साथ दिया और दोनों ने घर छोड़ दिया। सुमिता जी रमा और नीतीश देखते ही रह गए। गरिमा ने अपने आत्म सम्मान की रक्षा करने में देरी की, पर उन्होंने किराए का कमरा लिया और कुछ ही महीनों में उमेश का धंधे ने रफ्तार पकड़ ली और 2-3 सालों में वह शहर का जाना माना सफल बिजनेसमैन बन गया। उधर रमा ने अपनी सास सुनीता जी को अपनी घर की नौकरानी बना लिया। अब उसे गरिमा की बहुत याद आने लगी जो उसके इशारों पर हर काम करती थी। सुमिता जी रमा और नीतीश ने लाख बार कोशिश की कि भैया भाभी उनके साथ रहे, पर गरिमा और उमेश वापस घर उनके साथ रहने को कभी नहीं आए।